हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर शुरू किया था, इस मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें हमें आपको बताया था प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप्स में होती है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है ना। एलिमेंट्स फर्दर मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, वो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। कंपाउंड्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। आज हम बात करेंगे मिक्सचर्स की। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? जैसे हमने प्योर सब्सटेंसेस में बताया था कि एक ही टाइप के सब्सटेंसेस से जब एक सब्सटेंस बनता है तो वो प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, सिंगल टाइप ऑफ। लेकिन जब डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं बेटा? मिक्सचर्स बनाते हैं, ठीक है ना। एक तरह से एग्जाम्पल ले लो अपनी, आप वो भुजिया, नवरत्न वाली भुजिया जो नहीं है ना, पंचरत्न वाली भुजिया, इसमें बड़ा कुछ पड़ा हुआ है, बादाम पड़े हैं, किशमिश पड़ा है, आपकी वो फुलियां पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो वो एक तरह का क्या है, एग्जांपल है, वो मिक्सचर का एग्जांपल है। सबसे अच्छा एग्जांपल हमारी एयर, एयर में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना। 78% आपके नाइट्रोजन है, 21% आपकी ऑक्सीजन है, तो अलग अलग कंपोजिशन में आपके जो है अलग अलग गैसेज जो है एयर में है, तो एयर इज एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर, ओके। तो ये करने से पहले, अच्छा अब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से तो कंपाउंड भी बने थे, तो मिक्सचर भी वैसे ही है, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो वाटर भी बना था, वो एक कंपाउंड में आया, तो वैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एयर बन रही है, तो वो क्यों मिक्सचर में आया? तो इसके लिए कुछ डिफरेंसेस है जो हमें, जिससे पता लगता है कि कौन कंपाउंड है और कौन हमारा मिक्सचर है, ठीक है ना। तो देखिए, जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, दे आर नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड क्या होते हैं हमारे, ठीक है ना। फिजिकल मेथड सिंपल, जैसे अगर कोई लिक्विड है तो स्ट्रेनर से क्या कर दिया, उसको छान दिया, हैंड पिकिंग से अलग कर दिया, ठीक है। तो वो हमारे फिजिकल मेथड्स हैं। तो कंपाउंड्स को फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हम। जैसे आप खुद ही सोचो, वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो क्या हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हाइड्रोजन को स्ट्रेनर से, ठीक है ना, वाटर को छाना, हाइड्रोजन ऊपर रह गई, ऑक्सीजन नीचे आ गई, कैसे पॉसिबल है? हो सकता है ऐसे? नहीं हो सकता ना, हम नहीं अलग कर सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट था कि कैल्शियम को अलग कर दिया, उठा के कार्बोनेट को अलग कर दिया, हाँ उनको सेपरेट कर सकते हैं, बट केमिकल मेथड से। कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रॉन्ग हीटिंग करा तो कैल्शियम और कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, लेकिन दैट इज नॉट अ फिजिकल मेथड। केमिकली हम उनको सेपरेट कर सकते हैं बट नॉट फिजिकली, लेकिन मिक्सचर्स के लिए ये चीज नहीं होती है लागू। मिक्सचर आसानी से फिजिकल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं। और अगर एयर का एग्जांपल दिया तो बेटा एयर की सेपरेशन भी हो जाती है, लिक्विफाई करते हैं हम गैसेस को। लिक्विफाई कैसे करते हैं गैसेस को, हाँ, लिक्विफाई कैसे करते हैं? लिक्विफाई फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लिक्विफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है। ये मैं ऐसे सिखाती हूँ, अभी तो हमने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। HPLT, हिमाचल प्रदेश लवली टीचर्स, हिमाचल प्रदेश लवली टीचर्स, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, इससे क्या होता है, हमारी गैसेस क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। लिक्विफाई करते हैं, वो प्रोसेस से एक आपकी सिलेबस में आएगी, तब हम करवाएंगे आपको कि एयर को, एयर के डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। तो एयर भी सेपरेट हो जाती है आपका, जैसे आपने अब ये इसका एग्जांपल ले लो, अगर बाय चांस दाल में आपके क्या है, कंकर आ गए हैं, तो वो एक मिक्सचर हो गया है, कंकर और दाल आपस में मिक्स हो गए हैं, तो हम हैंड पिकिंग से उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ इम्प्यूरिटी आ गई है किसी चीज में, ठीक है ना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल चाय, चाय में चाय पत्ती है, चाय है, ठीक है ना, वो मिक्स हो गई है पानी में, आपने चाय पत्ती, टी लीव्स आपने मिक्स करी हैं, तो उनको सिंपल स्ट्रेनर से आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल मेथड है, मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं, ठीक। सेकंड है कि कंपाउंड्स की बेटा फिक्स कंपोजिशन होती है, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया कि वाटर की कंपोजिशन क्या होती है, 1:8 में होता है वो, बाय देयर मास 1:8 में होता है, ठीक है। लेकिन मिक्सचर की एज सच कोई कंपोजिशन नहीं है फिक्स्ड, ठीक है ना। अब जैसे एयर की बात करी थी तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, तो कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। या जैसे आपने, वही मैंने इसके पुलाव बनाते हैं आप,
मटर, ठीक है ना, मटर वगैरह डाल रहे हैं, सब्जियां डाल रहे हैं, तो ऐसे गिन गिन के 10 मटर ही डालने हैं इसमें, ऐसा थोड़े नहीं है 10 डालो 20 डालो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है ना। बट वो मिक्सचर है का, तो इसमें कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। एक तरह से आप ये भी देखो कि एग्जाम्पल ले लो कि अगर आपने कोई एक दो बीकर है, एक में मिक्सचर रखा है, एक में आपने कोई कंपाउंड रखा है, आपने निकाला उसको, ठीक है, आपने कोई हाथ से निकाल दिया, चलो हाथ से आपने निकाला, तो जैसे वाटर को अपने हाथ में लिया तो वाटर की फिक्स कंपोजिशन है, यहाँ पे भी वही वाटर है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जितनी हाइड्रोजन उतनी ऑक्सीजन 1:8 में ही अवेलेबल है, लेकिन मिक्सचर है वही भुजिया पड़ी है, आपने निकाली तो जरूरी नहीं है कि आपकी उस हथेली में वो किशमिश और बादाम आएंगे ही आएंगे, मे बी काजू किशमिश नीचे रह गया और सिर्फ फलियां फलियां आए, तो मिक्सचर की कोई जो है फिक्स कंपोजिशन नहीं होती है, वो अपनी कंपोजिशन में वेरी करता है, लेकिन कंपाउंड की कंपोजिशन बच्चा क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कंपाउंड और मिक्सचर्स का, ठीक है। नोट्स में आपको ये मिल जाएगा, तब आप पेन डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि मिक्सचर्स के कितने टाइप हैं, तो मिक्सचर्स भी अब दो तरह के हैं बेटा, एक होते हैं होमोजीनियस और एक होते हैं हेटरोजीनियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, बार बार पेपर्स में ये डिफरेंस आपके आ जाता है कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेटरोजीनियस मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस है। तो होमो, होमो मीन्स सिमिलर, बच्चे नाम से ही पता लग रहा है होमो, और हेटरो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। तो जब आपके मिक्सचर्स में, ठीक है ना, एक डिफरेंशिएशन नहीं होती है, सिमिलर ऊपर से नीचे तक, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताती हूँ, आपने चीनी ली, पानी में घोल दी, ठीक है ना, थ्रू आउट कंपोजिशन क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो आपने ये पानी में चीनी घोल दी बेटा, तो चीनी के मॉलिक्यूल ऐसे 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 सब जगह क्या होंगे, इक्वली क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी पूरे वाटर में, ठीक है, कोई अलग अलग नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ जैसे नीचे जैसे मॉलिक्यूल बड़े ज्यादा होंगे, यहाँ ऊपर जैसे कम होंगे, साइड में ज्यादा होंगे, ऐसा नहीं होगा, थ्रू आउट जो है कंपोजिशन सिमिलर होगी, तो वो आपके कैसे आ जाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर्स आ जाएंगे। लेकिन अगर कंपोजिशन बराबर नहीं है, जैसे मान लो पानी में आपने क्या डाल दी है, रेत डाल दी है, हिलाओ घुलेगी थोड़ी नहीं, वो सोल्यूबल नहीं है, तो रेत नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा, तो दो डिस्टिंक्ट लेयर बन जाएगी बेटा, पानी की लेयर अलग और सैंड की लेयर अलग, तो आपको बड़े अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, नीचे सैंड है ऊपर पानी है, ठीक है, कर सकते हैं ना डिफरेंस। तो वो कैसे होते हैं, वो हेटरोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स की यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट और ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है बेटा, ठीक है। दे आर होमोजीनियस मिक्सचर्स आर मिक्स्ड कंप्लीटली, पूरी तरह से आपस में मिक्स हो गए, जैसे मैंने शुगर का एग्जांपल दिया, आप नींबू पानी बना रहे, नींबू भी डालो तो नींबू भी पूरा घुल जाएगा ना, नींबू के ड्रॉप्स आपको दिखेंगे थोड़े नहीं पानी में, कि यहाँ पे है ड्रॉप, यहाँ पे है ड्रॉप, पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगे, एंड दे आर नॉट मिक्स्ड कंप्लीटली, ठीक है। इसमें जो है नो सेपरेट लेयर्स आर फॉर्म्ड एंड इसमें सेपरेट लेयर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, सेपरेट लेयर इसमें बन जाती है और इसमें सेपरेट लेयर नहीं बनती है। एग्जाम्पल में, ठीक है, आप सॉल्ट में पानी घोल दो, ठीक है, या आप शुगर इन वॉटर, तो सारा क्या है, ऐसे घुलेंगे कि आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ सॉल्ट है, कहाँ, ठीक है, कहाँ शुगर है, कहाँ वाटर का मॉलिक्यूल है, दिखेगी नहीं ना, एक साथ दिखेगा आपको सारा। लेकिन इसमें सैंड इन वाटर घोल दो आप, ठीक है, या फिर आप ऐसा करो कि मड इन वाटर,
जैसे कई बार बड़ा गंदा सा पानी होता है, थोड़ी देर बाद हम उसको एज सच रखते हैं तो नीचे नीचे मिट्टी बैठ जाती है, पानी ऊपर साफ आ जाता है, ठीक है ना। और हाँ, ऑयल इन वॉटर, ये भी एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब भी आप तेल डालते हैं पानी में, तेल ऊपर ऊपर क्या रह जाता है बेटा, ऊपर ऊपर तैर जाता है, पानी नीचे रह जाता है, तो वो भी दो अलग अलग सेपरेट लेयर्स बन जाती है। समझ आया होमो और हिट्रोजीनियस, ठीक है ना। तो होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हिट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, आप लेयर सेपरेट कर सकते हैं, पार्टिकल्स आपको अलग अलग से दिखेंगे, लेयर दिखेंगे आपको कि ये पार्टिकल्स की लेयर अलग है, ये पार्टिकल की लेयर आपकी अलग है, ठीक है। अब मिक्सचर में ही आपके आ जाते हैं दो एक चीजें बता देती हूँ, वो भी मिक्सचर्स के टाइप है। एक होते हैं अलॉयज, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल आपको वन मार्क में क्वेश्चन भी आ जाता है कि अलॉयज क्या होते हैं। तो अलॉयज आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉट टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब क्या है ये बना अलॉयज, आपने गोल्ड देखा होगा, जैसे कान में मैंने बाली डाली है, तो ये गोल्ड प्योर गोल्ड नहीं है। आप सभी जानते हैं कि गोल्ड में उन्होंने इम्प्यूरिटी डाली होती है, या तो उन्होंने क्या डाला होता है, ठीक है ना, कॉपर डाला होता है जनरली, ठीक है ना, कॉपर की इम्प्यूरिटी डाली होती है इन्होंने, या सिल्वर डाला होता है। कॉपर की इम्प्यूरिटी क्यों डालती है, क्योंकि कॉपर गोल्ड में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होता, गोल्ड बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो जैसे ज्वेलरी बनाएंगे तो इजिली टूटने का डर होता है, तो इसलिए वो क्या डालते हैं उसमें, उसमें कॉपर मिक्स करते हैं ताकि उसमें क्या आ जाए, थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाए, ठीक है, स्ट्रेंथ के लिए हम उसमें कॉपर डालते हैं, ठीक। तो वो क्या है, वो क्या बन गया, अलॉय, होमोजेनियस मिक्सचर है। अब जैसे कान की बाली देख के पता नहीं लगता ना कहां कॉपर है कहां गोल्ड है, ठीक है ना, होमोजेनियस मिक्सचर है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं पार्टिकल्स को, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल भी हो सकता है कार्बन, कई जैसे आपके अलॉयज बने हैं जिनमें कार्बन वगैरह भी है, तो कार्बन इज अ नॉन मेटल, ठीक है, या तो मेटल्स आप मिक्स करके डालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पिछली बार क्वेश्चन भी आया था, ब्रास ब्रॉन्ज, ठीक है ना, ब्रास आपका बनता है कॉपर और जिंक से, और ब्रॉन्ज आपका कॉपर एंड टिन से, ब्रॉन्ज, ठीक है ना, ब्रॉन्ज आपने सुना है ना, कांस्य पदक, कांसा, कांसा सुना है ना, वो जैसे जो थर्ड विनर, जो थर्ड पार्टिसिपेंट होते हैं, जो जीतते हैं, ठीक है ना, थर्ड रनर अप आते हैं, उनको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तो ब्रॉन्ज किसका बना होता है, कॉपर एंड टिन का, और ब्रास है आपका पीतल, घर में पीतल के बर्तन होते हैं आपके, तो पीतल किसका है, कॉपर और जिंक का बना हुआ होता है बेटा। वैसे ही एक और मिक्सचर है अमलगम, अमलगम क्या होते हैं बेटा, जब किसी भी मेटल को आप मरकरी में मिक्स करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, अमलगम्स बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दो डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये ऑब्वियस है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि पिछली बार आ गया था क्वेश्चन, ठीक है ना, कंपोजिशन आ गई थी ब्रास की, कि किससे बना होता है और कितनी परसेंट होता है, ठीक है ना। तो ये हलॉयज और अमलगम्स, ठीक है ना, इस तरह से ये भी एक टाइप के मिक्सचर्स है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आगे हम मिक्सचर्स में सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, कोलाइडर सॉल्यूशंस, इमल्शंस, इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो लेकिन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।